मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे देश के जो नौजवान हैं और जो ये पुलिस की जो नौकरी करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब वो लोग पुलिस की जब नौकरी पाने के लिए जाते हैं, और जब पुलिस की नौकरी जब वो पा जाते हैं, पाने के बाद जब वो वर्दी पहनते हैं, जो वो शपथ अपना ग्रहण करते हैं, जो कहते हैं कि मैं ईमानदारी से निभाऊंगा, क्या आप लोग ईमानदारी से निभा रहे हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को आप लोग ध्यान में देखते हुए, पैसा आज है कल नहीं है, घूस आज है कल नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में देते हुए आप लोग कानून का जो आप लोग ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। कानून किसी के बाप का नहीं है, कानून सबका है, और न्याय हर किसी को मिलना चाहिए। और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई किसी चीज़ को मानता है तो वो है कानून। अगर किसी को कहीं से इंसाफ मिल सकता है तो वो है कानून। अगर हमारा कानून बिका हुआ है तो इस देश में जो हमारे देश का ये जो हाल है, ये इससे भी बुरा हाल होगा अगर इस तरीके से जो घटना की जाएगा। और रह गई बात भाजपा की सरकार, तो भाजपा की सरकार 2019 तो चल रहा है मेरे दोस्त, बस वो दिन दूर नहीं कि जब दिल्ली के अंदर हमारी पार्लियामेंट की शेरनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी बैठेंगी। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, जो भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोलना चाहते हैं मेरे चैनल पे, और अपना जो भी शब्द अपना रखना चाहते हैं समाज के लिए, और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों के भी अगर दिलों में बाबा साहब का नाम अगर गूंजता है, अम्बेडकरवादी हैं आप लोग, तो आप लोग अपना वीडियो बनाकर मुझे दे सकते हैं। और किसी अगर कोई मेरे समाज का अगर कोई गाना गाता है, सॉन्ग गाता है समाज के लिए, तो वो भी अपना गाना दे सकता है मेरे चैनल पे, उसका निःशुल्क क्या नाम सेवा की जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं। ये आप ही का चैनल है, मैं आप ही लोगों का भाई हूँ, और हर सुविधा आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो इस मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्रांतिकारी जय भीम मिला।